जनाब सलमान फारसी, सलमान सलमान मुहम्मदी, सलमान इबन इस्लाम। सलमान को ये सलमान इबन इस्लाम, ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि लोग उनके कुछ इर्द गिर्द रहने वाले कभी संजीदगी से और कभी मिजाहन उनसे पूछते थे कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, ताकि जनाब सलमान को नऊज़ु बिल्लाह कुछ खिफ़त हो और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि ये आतश परस्त के बेटे हैं। यानी बुत परस्तों को ये फिक्र थी कि वो जनाब सलमान को नऊज़ु बिल्लाह एहसास दिलाएं कि वो आतश परस्त के बेटे हैं, जिनसे ख़ुद पूछ लिया जाता कि आपके वालिद का नाम क्या है तो उन्हें खिफ़त होती, वो जनाब सलमान से पूछते थे। तो जनाब सलमान से जब पूछते थे कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, तुम्हारा नसब क्या है, तो कहते थे अना सलमान इब्न इस्लाम। मैं सलमान हूँ फर्जंद इस्लाम। ये फर्जंद इस्लाम जिसे पैगंबर ने मिन्ना अहलुल बैत की सनद अता फरमाई। ये जनाब सलमान गवर्नर होके गए मदायन। लोगों ने आके शिकायत की कि यहाँ चोरी बहुत होती है, तो जनाब सलमान ने क्या किया और तशरीफ़ कैसे ले गए थे ये सब तो आप हजरात जानते होंगे। हमारे यहाँ तो ज़रा सा ओहदा मनसब हो तो क्या क्या प्रोटोकॉल होता है। और ये जब तशरीफ़ ले गए मदीने मुनव्वरा से मदायन, तो कोई प्रोटोकॉल साथ में नहीं था, ना कोई साज़ो सामान। तो लोगों ने देखकर ही समझा कि ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, हैं? ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। जनाब सलमान फारसी समझ रहे थे, जाहिर सी बात है आरिफ थे, आलिम थे, ये भी वली हक थे। वली सलमान, वली हक सलमान, मौलाए कायनात के आशिक सलमान, रसूलुल्लाह के आज़ाद करदा ग़ुलाम सलमान, सलमान के मराते इल्म व फ़ज़्ल सलमान, ज़ुहद व तक़वा सलमान, इरफ़ान व मुशाहदा व विजदान सलमान। जनाब सलमान सब समझ रहे हैं। जब शिकायत बढ़ी कि यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो उन्होंने कहा अच्छा आज कोई अपने घर का दरवाज़ा बंद करके ना सोए, कोई चोरी नहीं होगी। और चोरों से कह दो, ऐलान कर दो, कोई चोरी के इरादे से घर से निकले नहीं, वरना खैरियत नहीं होगी। अब लोग देख रहे हैं इनके साथ ना सिपाही ना फौज, आपके यहाँ तो कम से कम खुदा का शुक्र है फ़ौज है। जब बड़े बड़े शरारत करते हैं तो फ़ौज दरमियान में आ जाती है। वहाँ जनाब सलमान के पास न फौज न सिपाही। लोग सोच रहे थे ये करेंगे क्या, ये हैं सलमान। गलियों में टहलते हुए इन्होंने कहा कुत्तों से, कुत्ते वहशी जानवर, कुत्ता, कुत्तों से कहा, किलाब मदायन से कहा, मदायन के कुत्तों से, देखो आज ख्याल रखना कोई चोरी के इरादे से निकले तो उसे ज़रूर सज़ा दे देना। इंसान से नहीं कह रहे हैं, इंसान से नहीं फरमा रहे हैं, कुत्तों से कह रहे हैं जनाब सलमान कि आज अगर कोई चोरी के इरादे से निकले तो उसे सज़ा देना है तुम्हें। आज कोई चोरी ना होने पाए मदायन में, तवज्जो है। और दूसरी सुबह लोगों ने देखा कि शहर में कोई चोरी नहीं हुई और चोर सज़ा याफ्ता पाए गए। बस तफसीलात में कभी नहीं अर्सिया करता रिवायात की, हैं? यहाँ पे ठहर के दो फकरे कहने का जी चाहता है। जब मोहम्मद का गुलाम चाहे कि जानवरों से काम ले ले तो यूं काम लेता है, यूं एडमिनिस्ट्रेशन चलता है।
जब अली इब्न अबी तालिब का एक मुवाली, एक चाहने वाला, एक आशिक जानवरों को हुक्म दे दे तो जानवर खिदमत करते हैं, तो खुद मासूमीन का दर्जा क्या होगा? तवज्जो है। अब लोग हमसे सवाल करते हैं कि हजरत साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, इतनी बड़ी दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सलमान को देखो फिर सोचो आकाए सलमान की शान क्या होगी। वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके वसाइल के मोहताज नहीं है, ना आपके मोहताज। कायनात का जर्रा जर्रा महकूम है आले मोहम्मद है, जर्रा जर्रा महकूम है।